I had champagne, JJ Shankar. बीसलपुर बांध के पास मौजूद शिव मंदिर जहां रावण ने की थी तपस्या। धार्मिक आस्थाओं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग और 108 उप ज्योतिर्लिंग है। गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर उन्हीं में से एक है। टोंक जिले में बनास नदी के त्रिवेणी संगम बीसलपुर बांध पर मौजूद गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें धरती से प्रकट लगभग 40 फीट लंबा शिवलिंग मौजूद है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की गुफा में मौजूद इस मंदिर में भगवान शिव के सबसे बड़े तपस्वी भक्त दशानंद रावण ने यहाँ खूब तपस्या की थी। यह मंदिर त्रिवेणी संगम पर मौजूद है और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जहाँ तीन नदियों का संगम होता है वह स्थान स्वतः ही तीर्थ हो जाता है। ऐसे में इस प्राचीन शिव मंदिर में वैसे तो साल भर भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है, लेकिन खास तौर पर सावन के महीने में इस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना, शिव अभिषेक और कांवड़ यात्राओं का दौर निरंतर जारी रहता है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के विग्रह राज चौहान ने करवाया था, जो बीसलदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। बीसलपुर के गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर की गुफा में नदी तल से लगभग 40 फीट की ऊंचाई तक गोकर्ण के निशान वाला यह प्राचीन शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, जो किसी के हाथों स्थापित नहीं किया जाकर खुद स्थापित हुआ है। गोमाता में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है और गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद स्वयंभू शिवलिंग को गोकर्णेश्वर महादेव महात्मा गोकर्ण के नाम पर रखा गया है और यह स्थान गोकर्णेश्वर महादेव कहलाता है। महात्मा गोकर्ण ने अपने भ्राता धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ एक सप्ताह की श्रीमद् भागवत का श्रवण करवाया था। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार रावण ने यहाँ जब खूब तपस्या की तो रावण की तपस्या से खुश होकर खुद भगवान शिव ने रावण को आत्मलिंग के रूप में यह शिवलिंग दिया था। इसके अलावा वरदान दिया था कि जहां भी शिवलिंग को रखा जाएगा यह वहीं स्थापित हो जाएगा। ऐसे में रावण यहां से लंका के लिए रवाना होने लगा। इसी दौरान देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि अगर रावण द्वारा लंका में शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तो रावण अजर अमर हो जाएगा और उसे परास्त करना मुश्किल होगा। ऐसे में देवताओं ने देवीय शक्ति से रावण को नभुशंका पर मजबूर कर दिया और जैसे ही नदी के किनारे रावण ने शिवलिंग को रखा वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। पर्यटन महत्व के इस प्राचीन मंदिर के पास बीसलपुर बांध होने के कारण यहाँ साल भर पर्यटक पहुंचते हैं। बाबा के ऐसे प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।